या कुन्देन्दुतुषार हरधवलाया शुभ्रं वस्त्रानवदानयां वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतुपाशिनाया ब्रह्माच्युतिशङ्करं प्रभुत्रविद्वेधौ सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजडाप्यभा शारदा शारदा मुझो भद्रा वंदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनिधिं सनिद्धं क्रियातम। भगवती मात्र का सरस्वती अपने मूल अभिधान है से समस्त अभिधान और अविधेयार्थ वाचक वाच्य रूप समस्त विश्व की जननी है और संगीत की देवी है और अनुपमय कवित्व तेजस सौंदर्य आयुष तथा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति का वर्ण में शरीर की वर्ण मंत्रों से उपासना और साधना करना साधक को निम्न शक्तियों से परिपूर्ण कर देती है। चाहे वह कवित्व का सौंदर्य का तेजस का आयुष का संपत्ति का चाहने वाला क्यों ना हो। भगवती मातृका सरस्वती अपने आप में सौंदर्य और सात्विक देवियों में है और तुच्छ से तुच्छ मनुष्य जिसको सरस्वती का अभाव है, सरस्वती का अभाव जिसके जीवन में है, वह मनुष्य कभी मान सम्मान की ओर जा ही नहीं सकता, वह कोई मान सम्मान प्राप्त कर ही नहीं सकता। कंठ में विराजमान सरस्वती साधक को वह शक्ति प्रदान करती है कि साधक अपनी वाणी से सामने वाले को प्रभावित कर सके और अपनी बात मनवा सके। ऐसी शक्ति माँ मात्र का सरस्वती ही प्रदान कर सकती है। चाहे वह साधक किसी भी कुल से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, यहाँ पर इसका कोई मूल्य यहाँ पर नहीं है। मातृका सरस्वती अपने आप में पूर्ण देवियों में देवी है और शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इनके लिए कहा है कि कण में विराजमान हो सरस्वती और कंठ में विराजमान हो सरस्वती तो साधक को कोई शक्ति हरा नहीं सकती, साधक को कोई किसी भी विद्या में पीछे छोड़ नहीं सकता। ऐसे मंद्रष्टा ऋषियों में कण्व प्रमुख हैं जिन्होंने मातृका सरस्वती का दशाक्षरी मंत्र का साक्षात किया और उसका उल्लेख भगवान शंकराचार्य ने प्रपंच तंत्र सार में निम्न रूप से किया है। मध्ये भक्ष वग्दक्षरयो सद्वदवाग्नवर्णा नीचंद्रयुके प्रोक्ता दक्षक्षरियम कण्वविराजो चावरागीशी प्रमुखा। प्रपंच तंत्र सार के अनुसार मातृका माँ सरस्वती भक्ति और मातृका सरस्वती का साधना का और उनको सिद्ध करने का बहुत ही अच्छा वर्णन शंकराचार्य ने किया है। अर्थात फ तथा दी अक्षरों के बीच द पद वाग वा तथा नी अक्षर इनके बाद चंद युग मिठ अर्थार्थ स्वाहा वद वद वाग वादिनी स्वाहा यह वागीश्वरी का दशाक्षरी मंत्र है। वद वद वाग वादिनी स्वाहा वद वद वाग वादिनी स्वाहा वद वद वाग वादिनी स्वाहा भग वद वद वाग वादिनी स्वाहा यह दशाक्षरी मंत्र भगवती मातृका सरस्वती का है और आज मैं इसकी दीक्षा आप सभी को प्रदान करूंगा कि इसकी दीक्षा प्रदान कर आप सरस्वती को अपने कंठ में विराजमान कर कदित्व तेजस सौंदर्य और आयुष की और संपत्ति की प्राप्ति कर सकें और अपने जीवन को एक स्तर से उच्च स्तर की ओर ला सकें। बागेश्वरी के इस दशाक्षर मंत्र वद वद वाग वद वद वाग वादिनी स्वाहा के ऋषि
कण्व छंदस विराट देवता स्वयं बागेश्वरी सरस्वती एम बीज तथा स्वाहा शक्ति है। अर्थात जो ऋषि हैं वह कण्व हैं, कण्व छंदस विराट, ऋषि कण्व छंदस विराट, देवता स्वयं बागेश्वरी सरस्वती हैं और एंग बीज तथा स्वाहा शक्ति है। चंद्र विराजो च वाग ऋषि प्रमुखा एम बीजम स्वाहा शक्तिरिति। ऋषिन्यास में इन्हीं का उपयोग नियमनाक प्रयोग से किया जा सकता है।